कुछ भी नहीं आया। राम राम जी सारा। नए एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत। उम्मीद करा भाई आप सब सारे ठीक ठाक हो गए, अपने घर भी ठीक ठाक के रहने चाहिए भाई। हम भी सारे ठीक ठाक हैं भाई। आज है बच्चों की छुट्टी, लगातार कई दिन बच्चों की छुट्टी होगी, तो हमने आज बच्चों की छुट्टी का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि भाई घर जब बढ़क रहे हैं जैसे भूमि है तो थोड़ी बहुत काम में हेल्प हो जावे है, और इधर हम लाग रहे हैं भी वो काम करता ही। तो भाई ये जो नए काम हो ना इनमें थोड़ा टाइम लग गया है, तो आज हमने इनके पापा के बड़का की मदद से ठेके बाहर निकलवा दिए, क्योंकि भाई यो लेडीज़ का एक दो आदमी के बस का काम को न आया करता। और यो हमने जो पिछली बार है ना यो नया ठेका बनवाया था, और यो कुछ चक्कर टाइप का ऐसा बनवा रखा है, बल्कि मैं सारे बना तो सलाह दूँ भाई गोल ठेका जी सीरीज नहीं होती भाई, जो इन ठेका ना बनवाओ ना तो बेशक बनवाने की टाल कर दियो, क्योंकि इनमें बीच में लग गए हैं एंगल, और इनमें गेहूँ फंस जाए हैं और साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे है। अरे गोल ठेके ने तो मिनटा में झाड़ो मेरे का साफ कर दे आदमी, और यो फिर मन इसके ठेके के अंदर जाकर साफ करना पड़ा था, आप सबने दिख भी रहा होगा। और वे दोनों ठेके हमने साफ करके रख दिए हैं, गोल ठेके ने देख लो झाड़ू लगा कर एल झाड़ू कर डंडी बांध कर झाड़ू मार कर इस तरह साफ कर दिया करती 2 मिनट में, यो काम जल्दी हो जाए। गोल ठेके की रीस नहीं होगी, 4 कोने ठेके तो दिक्कतें देवे हैं, इस टाइप के बनवाने नहीं चाहिए, पर हमने तो ये बनवा दिए थे इस वजह से। फिर बनाए पीछे तो भाई नू हो जाए, घर में जो सामान है वो यूज़ तो करना पड़ेगा। अब हमने सारे ठेके बढ़िया तरह साफ सूफ कर दिए हैं, रिबिन ने 2 दिन की इन पर लगाऊँगे धूप, धूप लगाए पीछे फिर अपना इन अंदर पैक कर देंगे, क्योंकि भाई बारिश का आजकल मौसम होया रहा है, राम जी का भरोसा नहीं रहता किस टाइम बादल लेकर आ जाए, तो भाई अपना अनुकाग रहा है काम अपना टाइम तय कर लेना चाहिए, बहुत बड़ी टेंशन हो। लाइट ने कति परेशान कर दिए हैं, बेरा ना हमारा इन्वर्टर के करके मानेगा, आज तो 11 बजे बोल गया, 12 बजे बोला था कि जब रोटी खा खू के हटे थे ना, और जब के बाद जब लाइट बोला जिसने अंदर लौटना था भाई लाइट बंद करके, बंद तो खराब पे हो जाए लाइट, लाइट बढ़ाई पंखे तो चलते नहीं, कमरे में थोड़ी ठंड लग गया, टू टू जब बोलन लग जाए तो फिर लाइट भी ना दिक्कत आ जाए, रसोई में तो लाइट की जरूरत पड़े है ना, क्या लाइट है? हाँ बस फिर जितनी जरूरत है उतनी तो बढ़ेंगे, बस रसोई में काम करती है ना। आज पूरा सूट सीम दिया, बाजू बाजू रह रही है ना अभी भाई, दोपहर का टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, मैं गाय ना संभालता हूँ, पिंकी बैठी है मशीन पे अपने सूट की तुरपाई करा, भूमि बनाओगी अपने सारे बन पाएगी 5-7 रोटी, और दिखाती हूँ आज हमने बड़का की छुट्टी का फायदा उठा लिया इनकी छुट्टी, तो हम अपना काम कर दिया, हवा बहुत तेज चल रही है, और क्योंकि वो एक टेंशन हो जाए बहुत बड़ा काम हो जाए, पूरे साल की टेंशन निमट जाएगी ना, तो ठेके बाहर काटने साफ सफाई करने बहुत बड़ा काम हो जाए, एक दो आदमी पर तो काम होता भी नहीं, सारे अनलॉक करना पड़ा है, एक ठेका यो साफ कर दिया है, ये भी धूप में खुले छोड़ रखे हैं, इनकी हवा हुआ मैं एक मुँह निकल जाएगी, अरे की बार तो दवाई दुई भी नहीं गे रही थी हमने, सुरसी सारसी कुछ नहीं पाई, कति ठेके कति एक नंबर के सही चल रहे हैं, और बढ़िया गेहूँ मतलब रहे पूरा साल इनमें, कति सही है यो एरिया बिल्कुल खाली कर दिया है, साफ सफाई कर दी है यहाँ की कति बढ़िया तरिया, और देख लो भाई दोबारा तई टांट लगा दी हैं, जब इनमें क्यों आऊँगे इन्ना दोबारा तो कल कुल ना परसों ने 2 दिन की धूप लगा कर फिर इन्हें अंदर रख देंगे हम वापस तक, क्योंकि बारिश का मौसम का भरोसा नहीं होता ना, मन कर बारिश बुरिश आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी, और बाकी सारा सामान इधर उधर है भाई वो बात ठेके जब सेट हो लेंगे, जब जो इनमें हमारे इन कट्टा में हैं जो कर पल्ली तरपाल बोरी भाई घर में क्या चीज़ नहीं होती, सब चीज़ों हैं और उतना सारी चीज़ अपनी संजो कर रखनी पड़े हैं, क्योंकि भाई नुकागर सुई का काम सुई तो है और तलवार का काम तलवार, तो बोरी की जगह बोरी का यूज़ करना पड़ा है, कट्टे की जगह कट्टे का, तो सारी चीज़ मैनेज करनी पड़े है, जो हमारा स्टोर रूम है और बाकी कबाड़ी का सामान एक जगह इकट्ठा कर रहा है, क्या पता नहीं कबाड़ी वाला बुलाया नहीं जा रहा है, यो यहाँ पर पड़ा है, तो फिर कबाड़ी वाले ने बुलाऊँगे फिर वो सारा सामान उसको दे देंगे, तो जब इन भाई आज सुबह इनके पापा ने लग के और हम तो खैर कॉलेज में चले गया, तो उसके पास टाइम नहीं था, तो हमने मैंने पिंकी हमने कितनी बढ़िया तरी अपना साफ सुफ कर कर काम निपटा दिया है, बहुत बड़ी टेंशन निमट गई, अपना क्यों आओगे जब हमें डाल देंगे भाई। अभी मैं चली गई थी बाजार में मंसू के साथ, कुछ काम था और पिंकी ने जब तक मैं आई ले बना दी है भिंडी की सब्जी, चूल्हे पर जो भिंडी बनाया ना बात मतलब गैस पर तो बने नहीं सकती, इम्पोसिबल है, मतलब जो तेज आंच में जो करारी भिंडी बनाया ना बिहारी भिंडी बना रखी पिंकी ने, और चूल्हे पे हमने रोटी बनाई बना कर रख ली सारे खाऊंगे, तो भाई कल हमारे यहाँ होगी मम्मी की कढ़ाई, और कोई भी चने भेज दूंगी मैं, नमक डाल के पानी डाल के उबाल दूंगी, मैं बड़ा खा दे दूँ रोटी, तो भाई आज आप लोग आप सबने किसा लग गया बता दियो प्लीज, अगर अच्छा लग गया हो तो
कमेंट करके जाइए और लाइक शेयर कर दियो भाई, हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली जिस तरह भाई हमारा मैं है, हमारा ऐसा काम है भाई, कोई ओवर एक्टिंग तो है नहीं ना, कोई स्पेशल भी आज कुछ इस तरह बनाऊंगे जो हम जी सा जो कुछ करें जिस तरह हमारा रहन सहन सब कुछ उस तरह आपके सामने दिखाना है। तो भाई उम्मीद करो आप सब लोग देख जाओ अच्छा लग गया होगा। तो कल मिलेंगे आज जोड़ का सारा ना राम राम।